स्नैपचैट के ज़माने में बच्चों को अगर रामायण पढ़ने को बोलें तो उनके पसीने छूट जाते हैं। एक मिनट के अटेंशन स्पैन में रामायण कैसे पढ़ी जाए? इन 52 कार्ड्स पर हमने पूरी रामायण को लिख दिया है, 52 कार्ड्स में संक्षिप्त रामायण। पर मान लीजिए हमारे ये कार्ड उल्टे पुल्टे अरेंज हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? अरे ये क्या, सीता हरण हो गया और विवाह ही नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। फिर से इनको अरेंज करने के लिए पहले हमें एक नंबर का कार्ड खोजना पड़ेगा, उसको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर दो नंबर का कार्ड खोजना पड़ेगा, उसको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर तीन नंबर का, फिर चार नंबर का, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते तो वापस से बच्चे स्नैपचैट में लग जाएंगे। इसको जल्दी से करने के लिए हमने इस कार्ड के ऊपर ये छेद किए हैं, और जय श्री राम कह के अगर इस डंडे को हम एक एक करके छेदों में डालें तो ये अपने आप क्रम से लग जाएंगे। अब ये देखिए, पहले जन, फिर विवाह, फिर अपहरण और फिर रावण युद्ध। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये छेद बाइनरी सिस्टम के हिसाब से किए गए हैं। कंप्यूटर्स भी इसी भाषा में बात करते हैं और इसे सॉर्टिंग कहते हैं। आपको ये सोचना है कि इन बाइनरी छेदों में जब हम डंडी इस तरफ से डालते हैं तो ये क्रमबद्ध क्यों होते हैं, और अगर हम इसे दूसरी तरफ से डालें तो इनका क्रम क्या होगा। अक्सर माइथोलॉजी और गणित को अलग समझा जाता है, एकदम 180 डिग्री उलट, बट ये अभी होने लगा है। पहले तो भारत में लोग गणित में भी संगीत डाल देते थे। हेमचंद्र ने ये सीरीज, जिसे हम फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं, इसे श्लोक में डालकर लिखा था, और वो भी फिबोनाची से 50 साल पहले। बाकी जगह भी इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्ट्री की अलग अलग इवेंट्स को कार्ड पर लगा सकते हैं और ये अपने आप ही सही ऑर्डर में लग जाएंगी। ये तो हमने 6 छेद इस्तेमाल करके सॉर्टिंग की, अगर 3 तरह के छेद करें तो 4 छेद ही काफी होंगे। तो इन अनोखे पत्तों से रामायण, इतिहास, गणित, कंप्यूटर साइंस सब एक साथ सीख सकते हैं। तो ये है क्रमबद्ध रामायण या सॉर्टेड रामायण। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।